अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंडियन किचन। आज मैं वेज कटलेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत हेल्दी भी है, बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं मज़े से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने तीन बड़े आलू लेके उन्हें बॉईल कर लिया है, तो छील के उन्हें मैश कर लिया है। ये हमारी कुछ सब्जियाँ हैं, पत्ता गोभी है जो मैंने बारीक कट कर ली है, दो हरी मिर्ची है ये भी मैंने बारीक कट कर ली है, फूल गोभी है, बीन्स है, हरी प्याज और एक गाजर लेंगे मैंने, उसे कद्दूकस कर लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, ये थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा जैसे ही चटकने लगेगा तो हम इसमें अपनी जो सब्जियां हैं वो ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, बीन्स, हरी प्याज, गोभी। इन्हें चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो जब हमारी और सब्जियां हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे, गाजर, गोभी। देखिए थोड़ी सी फ्राई हो गई है, जो हमारी और सब्जियां हैं वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा चलाएंगे। दो मिनट के लिए ना कवर करके स्लो आंच पे पकाएंगे, जिससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा पकाएंगे जिससे इसमें क्रंच बाकी रहे। कवर कर देते हैं। इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। देखिए दो मिनट हो गए, ये पक गई है, सब्जी से जो पानी रिलीज हुआ था वो भी खुश्क हो गया है। आलू की तरफ चलते हैं। मैंने बड़े बाउल में आलू को ट्रांसफ़र कर लिया है, इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच गरम मसाला, ये सब मसाले हम आलू में ऐड कर देंगे। हमारी सब्जियाँ भी ठंडी हो गई है, ये भी आलू में ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, मैंने दो ब्रेड लेके मिक्सर में पीस लिया था, इसमें ऐड कर दे, ये बाइंडिंग का काम करते हैं। इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, एक नींबू का रस, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक ऐड कर देते हैं। इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, कटलेट बनाते हैं। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, थोड़ा सा मैदा, दो चम्मच मैदा है, इसका हम पतला सा एक घोल बना लेंगे। देखिए इसका घोल बन गया है। हम कटलेट बनाते हैं, कटलेट बनाने से पहले हम हाथों को चिकना कर लेंगे, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं राउंड में बना रही हूँ। कटलेट बनाने के बाद हम मैदे की इस पर हल्की सी कोटिंग करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे जिससे क्रंची हो जाएंगे। आप पहले सारे बना के भी रख सकते हैं, पहले सब बना लेते हैं। आप छोटे बड़े किसी भी साइज के बना सकते हैं।
आप इन्हें पहले से बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है। हमारे सब कटलेट बन गए हैं, तो मैदे की कोटिंग करेंगे और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छे से कवर कर देंगे, अच्छे से लगाएंगे जिससे चारों तरफ से अच्छे से क्रंची सा फ्राई हो जाए। देखिए हमारे सभी कटलेट तैयार हो गए, फ्राई कर लेते हैं हम। सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसा पसंद है आप कर सकते हैं। मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ। साइड चेंज कर देते हैं। इन्हें फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। निकाल लेते हैं। हम इसी तरह सभी कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। निकाल लेते हैं। देखिए हमारे सभी कटलेट्स फ्राई हो गए हैं, कितने क्रंची और अच्छे बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफिज़।